अगर आप जीएसटी नंबर लेने का सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आप खुद अपना जीएसटी नंबर बना सकते हैं और अपना फॉर्म बना के काम कर सकते हैं। दोस्तों जीएसटी नंबर बनाना बहुत आसान है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, जीरो कॉस्ट है जीएसटी रजिस्टर करना। दोस्तों आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है, मान लीजिए आपका एक तरह से कंपनी रजिस्टर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका बिजनेस 40 लाख से नीचे का है, 40 लाख से नीचे का है तो आपको जीएसटी लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर का बिजनेस है, 40 लाख से मतलब है कि साल भर की कमाई, कमाई से मतलब प्रॉफिट से नहीं है। अगर आप एक दुकानदार हैं, 40 लाख रुपये का माल लाते हैं साल में और बेचते हैं, ट्रांजेक्शन आपका 40 लाख रुपये का दिखता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है दोस्तों। मतलब 40 लाख का आपने ट्रांजेक्शन कर लिया है तो आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत मैंडेटरी है दोस्तों। उसके बाद दूसरी तरफ हम आते हैं तो जो आपका पहाड़ी इलाका होता है, जैसे उत्तराखंड या मणिपुरम जैसे इलाके होते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर 20 लाख के बाद ही, 20 लाख के बाद जो आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ना बैंक से अपना, या अपना बिजनेस कर लेते हैं 20 लाख के ऊपर साल भर में, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। जीएसटी नंबर आपको लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरी चीज़ पे आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, आजकल जो लोग हैं ई कॉमर्स की तरफ मुड़ रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो जैसे ऐप पर सामान सेल करते हैं, तो सेलर है, अगर आपको सेलर बनने का है कि आपको मुझे सेलर बनना है किसी ई कॉमर्स साइट में या अमेजन किसी में सेल करना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है दोस्तों। आप ऑनलाइन में अगर सेल करने जा रहे हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको बताते हैं कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए दोस्तों। अब सबसे पहले जीएसटी नंबर के लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले जाने वाला हूँ, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, और तीसरी बात आपके पास दो कम से कम पासपोर्ट साइज के फ़ोटो भी होने चाहिए। थर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपके पास एड्रेस प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब बिजनेस एड्रेस प्रूफ का मतलब ये है कि आप अगर घर से भी काम करते हैं ना दोस्तों, अगर मान लो ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो घर ही से ना सामान आप पैक करोगे, तो भी आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा अपने घर का। वो क्या देना होगा, कैसे देना होगा, कैसे अपलोड होगा, कब आपका वेरीफाई होगा और कब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आएगा, कि सारा कुछ मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। आप अपना कंपनी और फॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, सारा कुछ बिना किसी के पास जाए, बिना किसी कुछ दिए खुद चालू कर पाएंगे जीएसटी रजिस्टर करके दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर। जीएसटी लिखने पर जैसे ही आप जीएसटी इंटर करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ जीएसटी का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ सिंपली आपको क्लिक करना है और जाना है सर्विस पर और रजिस्ट्रेशन पर, और न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्त सिंपली सबसे पहले हमें टैक्स पेयर करके भरना है, जो भी आपका है आप टैक्स पे करके भरेंगे सबसे पहला बना रहे हैं तो सिर्फ आप फिर अपना आप राज्य भरेंगे, स्टेट मत जो भी है वहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, फिर यहाँ आपको बिजनेस नेम डालना है, जो पैन कार्ड में आपका नाम लिखा होगा वो डाल दीजिए, और आपका जो पैन नंबर होगा, देखिए जहाँ दोस्त जो आपका पैन नंबर होगा वो डाल दीजिए यहाँ पर। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, और यहाँ पर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा दोस्तों, तो मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके पास हो। इसके बाद यहाँ पर कैप्च भरेंगे और सीधे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें आपको TRN टेम्प्रोरी एक नंबर मिलेगा जो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगर 15 दिन में आप उसमें अपना और अपडेट नहीं करते हैं, उससे प्रोसीड नहीं करते हैं, तो 15 दिन बाद वो टेम्प्रोरी नंबर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आगे हम इसको प्रोसीड कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, और 15 दिन के अंदर तक ये टेम्प्रोरी नंबर रहता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे और कंटिन्यू कर प्रोसीड करते हैं। देखिए ये टेम्प्रोरी नंबर आप एक कागज़ में लिख लीजिए ताकि, या कॉपी कर लीजिए ताकि आगे आपको कार्य करने में दिक्कत ना हो दोस्तों।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ हम डालते हैं टेम्प्रोरी नंबर और इसके बाद हम डालते हैं कैप्चर। से आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा वेरीफाई कोड। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो मोबाइल नंबर हमें इंटर करना होगा दोस्तों। यहाँ से हम इसे इंटर करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारा जो प्रोसेस के बाद जब हम पहुँचे यहाँ पर, तो ये एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक्सपायरी डेट आपको लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सपायरी डेट के बाद यहाँ पर हमको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। एडिट क्लिक करने के बाद ये सारा रजिस्ट्रेशन आपका खुल चुका है दोस्तों। यहाँ सिंपली हमें करना है, यहाँ पर सारा चीज़ आपका आ जाता है दोस्तों। आपका नाम आ जाता है यहाँ पर और आपका परमानेंट अकाउंट पैन नंबर भी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जब तक वो पैन कार्ड का नाम, ट्रेडर नेम जो आप फॉर्म का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ आपको डालना होगा दोस्तों। हो सकते हैं कि हमें ये सारा फॉर्म है, ये सारे फॉर्म भरने होंगे दोस्तों, तभी जाके प्रॉपर एक तरह से फुल एप्लीकेशन फिल हो पाएगा। सबसे पहले दोस्त यहाँ पता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम का मतलब ये है कि आपका कंपनी का नाम है या आपके शॉप का नाम है, वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप पार्टनरशिप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोपराइटरशिप है, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं प्रोपराइटरशिप लेके चलता हूँ। उसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम, आपके पास और कुछ नेम है तो भी आप फिल कर सकते हैं है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यह तो ये ऑलरेडी आ जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं ये जो दोस्तों आपका जो बिजनेस है या जीएसटी नंबर आप किस लिए ले जाते हैं, रीज़न ऑफ टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, किस लिए आप जीएसटी नंबर चाहते हैं। तो आप सेलिंग के लिए चाहते हैं या बाहर सामान बेचना चाहते हैं या कुछ भी, आप क्रॉस द इंटरस्टेट सप्लायर है, जो भी आप यहाँ भर सकते हैं। तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो फॉर्म का डेट है, ये स्टार्ट डेट है कि बिज़नेस आपने कब से स्टार्ट किया, तब से है, और कब से बिज़नेस स्टार्ट किया, यहाँ डेट फिल करेंगे। स्टार्टिंग डेट जब अगर आप आज स्टार्ट करें तो आज का डेट फिल कर दीजिए। और बिज़नेस की लायबिलिटी क्या है, मतलब कब से बिज़नेस की लायबिलिटी बनी हुई है, बिज़नेस की लायबिलिटी कब से स्टार्ट कब तक बनी हुई है, 2 साल पहले से काम कर रहे हैं, उस तरह का स्टार्टिंग एंड डाल सकते हैं आप कि हम इतने साल से इतने तरह से काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ डाल के फिल कर सकते हैं। और आपके पास अगर टिन नंबर पहले से पड़ा हो, टिन नंबर या कोई और भी रजिस्ट्रेशन आपके पहले से पड़ा, तो यहाँ पर फिल करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। वाले स्टेप में प्रोमोटर पार्टनर, इसमें जो आपका पार्टनर होता है प्रोमोटर करने के लिए, मतलब डिटेल आपको अपना ही डालना है, सिंपल सी बात है। इसमें आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम कैच हो जाएगा। यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना होगा, यहाँ बर्थ डेट डालना होगा, आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा, मेल है या फीमेल है आपको यहाँ इनपुट करना होगा, अपना डेजिग्नेशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है स्टेट, आप अपना डेजिग्नेशन दे सकते हैं कि आप CEO हैं कंपनी के, क्या है, प्रोप्राइटरशिप होंगे तो पक्का CEO होंगे, तो अपना CEO लिख दीजिए या जो लिखना है वहाँ लिख दीजिए। इंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट, जो आप आइडेंटिफिकेशन नंबर है वहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉई का आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे उसी तरह आप अपने यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद ये पैन कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है तो भरिए, नहीं तो रहने दीजिए, नीचे आ जाइए। इसके बाद इंडिया, यहाँ सारा चीज़, इसके बाद आप इंडिया, ये सारा चीज़ भर के इसे रख सकते हैं दोस्त। अब इसके बाद ये सारा चीज़ भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा दोस्तों। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सीधे आपको सेव कंटिन्यू पर पुश कर देना होगा और हम आ जाएंगे अब थर्ड स्टेप पे दोस्तों। जो डिटेल है फिर से भरना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पर, तो आप अपना दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। आप पूरा भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि डिटेल ऑथोराइजेशन सिग्नेचर, जो लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन, जैसे लेटर हेड बनता है हर कंपनी का, उस तरह का लेटर हेड बनने पर एक साइन होता है दोस्तों। तो वो साइन किसका होगा, जो आप अपना कंपनी बनाएंगे तो डेफिनेटली वो साइन आपका होगा, और जो पर्सन का साइन होगा उसका फोटो यहाँ आपको अपलोड कर देना होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ जाइए ऑथराइजेशन रिप्रेजेंटेटिव, आपको यहाँ करना है प्रिंसिपल प्लेस। अब दोस्तों जो प्लेस होगा, जो भी आपका प्लेस है ऑफिस का डिटेल के अनुसार, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो एक बोलते हैं तो उसको एफिडेविट बोलते हैं, एफिडेविट भी शायद आपको बनाना पड़े यहाँ पर। तो
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एफिडेविट जो मैंने आपसे पहले ही बोला था, जो आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ होगा, वो कैसे आप देंगे? तो ये बिजली का बिल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपना एक अपने घर का आप एफिडेविट बना लीजिए कि हम अपने घर से काम कर रहे हैं, या अपना एफिडेविट बना लिखवा सकते हैं। आप जाएंगे वकील को बताएंगे कि ऐसी समस्या है, मुझे GST बनाना है और मुझे एक एफिडेविट बनाना है, तो आई थिंक 100 रुपये के ही स्टाम्प में काम हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ आप लिखवा कर कि अगर आप पापा का घर है तो वहीं लिखवा लीजिए कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरा ये घर है, जो भी है आपने लिखवा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा दीजिए। अगर आपका है, आपके नाम का घर है या आपके नाम का बिजली का बिल आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अपलोड करिए और काम आपका ऑन हो जाएगा, मतलब अप्रूव कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये प्रिंसिपल एंड प्लेस वाला जगह है, यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ अपलोड कर दीजिए या क्लिक करके सेव कंटिन्यू कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद एडिशनल यहाँ आने के बाद अब दोस्तों कुछ नहीं बचता। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसका SCM कोड अलग होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ खाने के प्रोडक्ट होते हैं, जो बेसिकली जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप कुछ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप तेल बनाते हैं सरसों का, तो उसका SCM कोड अलग होगा, उस पर टैक्सेस अलग होते हैं, तो उस तरह का कोड आप डाल देंगे तो समझ लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, उसी चीज़ को बेचेंगे या जो भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा आपको GST का बिल भरना होगा। अब आते हैं स्टेट स्पेसिफाई। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको तो स्किप करके आगे बढ़ाने के लिए बोलूँगा आपको कि आप आगे बढ़ जाए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊँगा आपको। अब दोस्तों यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन लास्ट बचता है, आधार ऑथेंटिकेशन, जो आपका आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP डालना होगा दोस्तों, जो आपके मोबाइल नंबर जिस आधार से रजिस्टर होगा आपके पास OTP आएगा। OTP आने के बाद सिंपली इसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और आपको एक ARN नंबर मिलेगा, वो नंबर आप हमेशा स्टेटस चेक कर पाएंगे। हो सके तो 1 से 3 दिन में आपको GST नंबर मिल जाएगा, नहीं तो कुछ रियर केस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी 1 से 3 महीने लग जाते हैं आपको ये नंबर मिलने में दोस्तों। तो घबराने की बात नहीं है, नंबर सबको ये मिल जाता है, मोस्टली नंबर 95% है कि आपको GST नंबर मिल जाएगा। 5% का थोड़ा सा रहता है डॉक्यूमेंटेशन के कारण कुछ इश्यूज रहते हैं, वो टाइम एक्सटेंड होते हैं, टाइम बढ़ते हैं 1 से और 90 दिन के बीच में, वैसे 1 से 3 दिन के बीच में आपको GST नंबर मिल जाता है दोस्तों। और जैसे आप अपना स्टेटस हमेशा चेक कर सकते हैं, जब आपको ARN नंबर मिल जाएगा तो आप हमेशा अपना स्टेटस चेक करते रहिए, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं। ARN नंबर जो आपको मिलेगा रजिस्टर होने के बाद, वहाँ पर डाल के आपको हमेशा सर्च करना होगा कि कहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, कब मेरा अप्रूव हो जाएगा, कब मेरा GST नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद आपके पास कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों पूछो मेरे से, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ और पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और अगर किसी को बनाने का GST चाहता है कि किसी और से बनवाना चाहता है या मुझसे बात करके बनाना चाहता है, वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनकी हेल्प करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों मैं आने वाले कल में आपको GST रजिस्टर करने के बाद मैं ऐसा चीज लाने वाला हूं कि कैसे आप अमेजन से सामान लेंगे और आपको उसका पैसा रिफंड हो जाएगा, 20% जो GST लगा है वो आपको रिफंड हो सकता है दोस्तों। मैं ऐसा सारा बताने वाला हूँ आपको, ITI फाइल करके लोन कैसे लेंगे ये सब बताने वाला हूँ दोस्तों, होम लोन कैसे लेंगे, आप अगर काम करते हैं 15,000 की नौकरी करते हैं होम लोन कैसे लेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, सरकार में कैसे कैसे संस्थाओं में क्या क्या चीज़ मिलने वाला है मुफ्त का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरी वीडियो में हमेशा बने रहिए, क्योंकि शायद आप मेरी जानकारी से आपको लाखों रुपए का मुनाफा हो पाए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।